हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू बीएलपी एकेडमी। हाउ आर यू डियर? आर यू फाइन? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? स्पेशली इट्स क्रिसमस डे, दैट्स व्हाई इन द बिगनिंग आई वांट टू से फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट हैव द ग्रैंड क्रिसमस डे टू ऑल ऑफ यू एज वेल एज हैप्पी तुलसी दिवस, हैप्पी तुलसी डे। यू गाइस आर फीलिंग कंफर्टेबल बाय द वे, इट इज सैटरडे हियर टुडे एंड यू गाइस आर जस्ट इन बीएलपी एकेडमी, दैट्स व्हाई आई थिंक दैट आई शुड डू समथिंग स्पेशल for you dear. Are you ready to face me here? Yes, sir. By the way, you guys assemble here with some special target is very clear. You want to learn English, right? Who want to learn English from you dear? Basically you have to up your hand, thoda haath uthayenge, kaun sab English seekhna chahte hain? Sare seekhna chahte ho? Thank you. God bless you. May Allah bless you. May Ram bless you. May God bless you. Don't worry at all, you will learn English, but have patience right now. And whatever I'm gonna say you guys to listen to me here. Basically, it's a special day, that's why I want to do something special for you. So actually, I wanna motivate you guys. And motivation is one of the finest things, especially in the field of education. You guys got together in BLP Academy to gain education, right? Aap sabhi yahan shiksha grahan karne ke liye aaye ho. एजुकेशन के लिए आए हो, राइट? तो गाइस आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन आपसे, थोड़ा जवाब देंगे आप कि जिस काम को करने के लिए आए हो, एजुकेशन को ग्रहण करने के लिए आए हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एजुकेशन आफ्टर ऑल होता क्या है? एजुकेशन से आपका क्या तात्पर्य, व्हाट डू मीन बाय एजुकेशन? शिक्षा से क्या तात्पर्य है आपका? शिक्षा क्या होता है ये बता दो। कौन बताएगा आप में से एजुकेशन के बारे में? स्टैंड अप शिवम, यू हैव टू रिप्लाई मी, व्हाट डू मीन बाय एजुकेशन? यस सर, एजुकेशन इज ऑल सोर्स, लाइक ऑल सोर्स, एंड एजुकेशन इज लाइक अ बीकन व्हिच कैन यू हाइड इन ऑल दैट इन फ्यूचर। ओह, यू वांट टू से दैट दिस इज जस्ट लाइक द वेपन, विद द हेल्प ऑफ दिस वेपन यू कैन यू नो गेट डेवलपमेंट। एजुकेशन मीन्स द कंप्लीट डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू शिवम, एक ऐसा अस्त्र है जो पूर्ण विकास कराता है, राइट? जो सर्वांगीण विकास कराता है वही एजुकेशन है। अकॉर्डिंग टू यू, एजुकेशन इज द टूल दैट इज कंसिडर्ड टू बी द टूल ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट, राइट? तो अब क्वेश्चन ये उठता है शिवम कि कंप्लीट डेवलपमेंट होता क्या है? विकास कहां से स्टार्ट करेगा एक इंसान? यू गाइज आर राइट From Bihar, you are just in BLP Academy. And you have the, you know, a special target. Target is very clear. You have the mission to learn English language. And language is the part of already, you know, education. तो education के अंतर जो विकास होता है, वो विकास क्या क्या होता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बताएंगे आप? वो कौन कौन सा विकास है इसको एक person, एक human being करना चाहता है? So there are different types of development. Okay. They can achieve their physical, mental, and they can achieve everything, their future. Oh, sit down. By the way, that fellow is Shivam, regular students of this academy, and very, very, you know, special guy because he's curious to learn English. He has a passion for English. That's why he joined the BLP Academy and going to deploy him in this amazing task here. इनके अनुसार education का मतलब हुआ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सर्वांगीण विकास करता है। एजुकेशन का मतलब ही होता विकास करना। तो आप लोग भी यहाँ पर आए हो खुद का विकास करने के लिए, खुद के अंतर ना परिवर्तन लाने के लिए। एजुकेशन परिवर्तन लाता हो, विकास करता है आपका, वो हर तरह का विकास, चाहे वो फिजिकल हो, क्या हो? तो फिजिकल अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, फिजिक सही नहीं है, तो क्या आप काम को सही से अंजाम दे पाओगे? तो यहां पर मैंने लिखा अभी कि मम्मी प्लस पापा इज इक्वल टू चिल्ड्रन। आप सबको हंसी आएगा थोड़ा समय के लिए कि मम्मी पापा इज इक्वल टू चिल्ड्रन। सही बात है यार, मोम पा अगर नहीं मिलता तो चिल्ड्रन कहां से आता? तो मेरा कथन यह है कि यू गाइस टू डेवलप फर्स्टली दैट इज कंसिडर्ड टू बी फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, तब क्या है
मेंटली डेवलपमेंट. अगर फिजिकली और मेंटली दोनों आपका होता है तो आपका क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन. क्या बनेगा? तो मम्मी प्लस पापा इक्वल टू चिल्ड्रन, ये तो हंसाने के लिए मैंने बोल दिया. इसके अंदर बहुत बड़ा लॉजिक है ना. यू गाइड टू डेवलप फिजिकली, यू गाइड टू डेवलप मेंटली. द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स दैट विल क्रिएट कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हिंदी में एकाग्रता बोलते हैं. और किसी भी काम को करने के लिए एकाग्रता की बड़ा जरूरी होता है. एकाग्र हो करके जब शिद्दत से काम करोगे ना आप, तो दुनिया का कोई भी काम को आसानी के साथ आप अंजाम दे सकते हो. और अभी कौन सा काम करना आपको, यू हैव टू डेवलप योर लैंग्वेज. एंड एज फार एज इंग्लिश कंसर्न, दिस इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश. एंड यू गाइड टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश. आप यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश के लिए आए हो. And that is the part of English language. You know, I mean to say communication. As far as communication skills is concerned, it is of four categories, four types. LSRW, listening, speaking, reading and writing. जिसमें आप किसके लिए आए हो यहाँ पे? To develop your spoken English. और मैंने आपको बताया था कि भाषा सीखने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है. मैं बता रहा हूँ फिलहाल, मैं ना डेवलपमेंट के बारे में बात कर लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ. तो मेंटली फिजिकली अगर ये दोनों कर लेते हो तो कहा जाता है एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है. और आपका शरीर अगर स्वस्थ है, मस्तिष्क स्वस्थ है, तो दिमाग आपका सही रहेगा, राइट? ठीक है ना. तब आप सामाजिक विकास कर सकते हो, बौद्धिक विकास हो जाएगा आपका, सामाजिक विकास कर सकते हो. जब वहां तक पहुंच सकते हो तो फाइनली क्या है ना, फाइनली जो मेरा सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है आज के जमाने का, वो है क्या? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, भौतिक विकास. क्या? जो किससे संबंधित होता है? मनी से. तो एजुकेशन ही है जो आपको जॉब देगा. और जॉब मिलेगा जब आपको, तो मनी की प्राप्ति होगी. और मनी की जब प्राप्ति हो जाएगी तो कहता है कि मनी बिगेट्स हनी, और हनी हो जाएगा खाने का तात्पर्य. मनी के बल पे आप अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हो. तब आपको क्या मिलेगा? मेंटल पीस मिलेगा. और कहा जाता है ना हिंदी में, संतोषम परम सुखम, इस संस्कृत का एक डायलॉग है, एक दुआ है कि संतोषम परम, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता है. संतोषम परम सुखम. और संतोष तब होगा जब आपको पीस मिलेगा. और एजुकेशन का जो लास्ट लक्ष्य होता है ना, वो शांति को प्राप्त करना होता है. ठीक है ना बाबू? वो तब तक नहीं होगा जब तक आप एजुकेटेड नहीं होगे. क्योंकि किसी ने कहा है किसी राष्ट्र को चलाने के लिए, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए सबसे बड़ा जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है वो है एजुकेशन. ऑन द ग्राउंड ऑफ एजुकेशन यू गाइज कैन जस्ट चेंज फ्यूचर एज वेल एज फ्यूचर ऑफ यू डियर. दैट्स वाई यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन एजुकेशन. ट्राई टू गेन एजुकेशन फर्स्ट. सबसे पहले शिक्षा लेने का प्रयास करो, शिक्षित बनो. क्योंकि एक शिक्षित इंसान ना पूरे समाज को सुधार सकता है. और आप यहाँ क्यों आए हो? सही में शिक्षा लेना है. कौन सा शिक्षा लेना है आपको? अंग्रेजी की. और आप जो यहाँ पर आए डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्लास किसका था भाई? लैंग्वेज का. किसका था? और मैंने बोला लैंग्वेज मीन्स भाषा. और भाषा सीखने के लिए ना तो कॉपी की आवश्यकता होती, ना ही कलम की, ना ही डिग्री की, नथिंग. आवश्यकता है तो अच्छे माहौल की, राइट, इन्वायरमेंट की, और जहाँ पर आप अच्छा श्रोता बन सको. क्या? क्योंकि कहा जाता गुड लिसनर कैन बी द गुड स्पीकर. एक अच्छा श्रोता क्या बनता है? तो फर्स्टली यू हैव टू बी गुड लिसनर. फाइनली यस, यू गाइज बी गुड स्पीकर. एक अच्छा श्रोता, तो आप श्रोता बनने के लिए तैयार हो? ऐसे बोलोगे क्या? वेरी गुड. अगर आप श्रोता बनने के लिए तैयार हो तो मैं आपको वक्ता बनाने के लिए तैयार हूँ. कहने का तात्पर्य हमारे और आपके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एक बाउंड होना चाहिए. आई एम स्पीकर हियर, यू गाइज आर लिसनर देयर. योर टर्न विल कम, यू विल बी स्पीकर हियर, आई वुड बी लिसनर देयर. तब मैं बनूंगा श्रोता, आप बनेंगे. आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी होगा. दैट्स वाई अभी आप श्रोता बनो. ट्राई टू लिसन मोर एंड मोर, बिकॉज योर टाइम विल कम एंड यू हैव टू स्पीक देयर एज द प्रोफेशनल स्पीक्स. ओके, सो नॉट टू वरी एट ऑल, योर टाइम विल कम, बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स टाइम. सबका दिन आता है, आपका भी दिन आएगा. नॉट टू वरी एट ऑल, सो हैव पेशेंस. एवरीथिंग विल ओके इन लास्ट टाइम. इट्स अ टाइम टू लिसन मोर एंड मोर. इट्स अ टाइम टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द गुड एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश. इफ यू वॉन्ट टू डोमिनेट इंग्लिश, इफ यू वॉन्ट टू मेक इंग्लिश योर ओन, basically you guide to make connection with English right now, okay? And motivate yourself by yourself. और खुद से खुद को motivate करते रहो. It doesn't matter at all. It's, you know, winter season, but you have to make yourself hot if you want to learn English.
ठंडा है तो क्या हुआ, खुद को हॉट करके रखो तभी अंग्रेजी आएगी। बुलंद हौसला के साथ अंग्रेजी सीखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू गाइज कैन क्रैक इट। इट्स अ टाइम टू गिव टाइम टू इंग्लिश, ओके, ये वक्त है अंग्रेजी को वक्त देने का। क्योंकि कहावत है ना, किसी ने कहा है कि वक्त को वक्त दो, वक्त भी तुमको वक्त देगा। जब वक्त तुमको वक्त देगा, खुदा कसम, जिसके पास आज आपके लिए वक्त नहीं है वो वक्त लेके आएगा, और उस वक्त आपके पास उसके लिए वक्त नहीं होगा, राइट? मिशन कौन सी बात है, यू गाइज कैन क्रैक इट इजली। सो इट्स अ टाइम टू कनेक्ट योर सेल्फ विद, यू नो, इंग्लिश, कनेक्ट योर सेल्फ विद द गुड एनवायरमेंट ऑफ इंग्लिश। आई थिंक आपकी सोच ना अंग्रेजी वाला होना चाहिए। अंग्रेजी भी क्या एक सोच है क्या बाबू? कहा जाता है कि सोच बदलो देश बदलेगा, और अंग्रेजी का काम है आप में परिवर्तन लाना। इट विल ब्रिंग डेवलपमेंट, इट विल ब्रिंग चेंजिंग इन यू, दैट्स व्हाई इट इज द लैंग्वेज, इट हैज द पावर दैट कैन चेंज यू टोटली, जो आपको बिल्कुल बदल देगा एंड कंपेल यू टू बी द स्मार्ट, ये बनाएगा आपको स्मार्ट। और एक बार बन जाते स्मार्ट, ये दुनिया ना सारी आपको लगेगा सपोर्ट, यू नो, वो ऐसा गाना आपके लिए गाया जाएगा, तुझ में रब दिखता है यार मैं क्या करूं। दैट्स व्हाई इट्स अ टाइम टू ब्रश अप योरसेल्फ, ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बाय द वे इंग्लिश द लैंग्वेज दैट कैन जस्ट कनेक्ट यू गाइस टू द एंटायर वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड के साथ आपको कनेक्ट कर लेगा, बिकॉज इट हैज सच पावर, ओके। सो हैव पेशेंस, बी बोल्ड, स्माइलिंग शुड बी एट योर फेस एंड गो एट एवरीथिंग, ओके, आई एम विद यू टू। डरना बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ना है, ओपन द माउथ, ओके, और खुद को कनेक्ट करके रखो अंग्रेजी के वातावरण के साथ, अंग्रेजी के सीनरियों के साथ। अंग्रेजी आपकी है, श्रोता बनो, वक्ता बनी जाओगे। यू नीड टू मेक कनेक्शन विद गुड बुक्स, अच्छे किताबों के साथ दोस्ती कर लो। यू नीड टू मेक कनेक्शन विद गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कर लो। यू नीड टू मेक कनेक्शन विद गुड एनवायरमेंट, ओके, अच्छे वातावरण के साथ कनेक्शन बना लो। कहने का तात्पर्य घुमा फिरा के बात ऐसी हुई कि वहां अंग्रेजी, यहां अंग्रेजी, दाएं अंग्रेजी, बाएं अंग्रेजी, ऊपर अंग्रेजी और नीचे अंग्रेजी, मतलब एवरीवेयर देयर मस्ट बी इंग्लिश, एंड यू गाइड टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द यू कंप्लीट एनवायरमेंट ऑफ इंग्लिश, देयर आफ्टर इंग्लिश विल बी योर्स, राइट? नो, भाषा है, और भाषा सीखने के लिए बस मौली काफी है। अगर आप चाहते हो कि ना मैम आराम से भाषा सीखो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, आप ना ऐसे देश को चूज कर लो, ऐसे जगह को चूज कर लो जहां अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज है, चले जाओ, कुछ दिन गवा लेना, फिर आ जाना। यू गाइज विल लर्न इंग्लिश डेफिनेटली, आसानी से सीख लोगे। आप अमेरिका चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, एंड आप देखोगे वहाँ पर जब आप 6 महीना 1 ईयर लगाओगे, उसके बाद आओगे तो इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगा। यू गाइज कैन स्पीक इंग्लिश, यू गाइज कैन टॉक इन इंग्लिश ईजिली, ठीक है ना? जैसा कि आप ना मिथिला में रह के मैथिली सीख लिए, बिहार में हो हिंदी सीख लिए, इन द सेम यू विल लर्न इंग्लिश देयर, राइट? तो अंग्रेजी सीखना बहुत बड़ी बात है नहीं, विश्वास होना चाहिए, और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ो। बट ना यू आर स्टूडेंट, दैट्स व्हाई बीइंग द स्टूडेंट यू गाइज मस्ट फॉलो द प्रोसीजर, सिस्टम को फॉलो करो। और सिस्टम क्या, ऑलरेडी आप लोग जानते हो, LSRW, यू गाइड टू जस्ट यू नो गिव हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर एंड फाइनली हाफ एन आवर। आधा घंटा आपको सुनना है, आधा घंटा आपको बोलना है, आधा घंटा आपको पढ़ना है, आधा घंटा आपको लिखना है, ये काम करो, देखो इंग्लिश आपकी हो जाएगी धीरे धीरे, बाय एंड बाय यू गाइज विल कमांड इंग्लिश, हो गई, इंग्लिश विल बी यूज, ठीक है ना? एंड डेफिनेटली यू विल गाइज, यू गाइज विल एंटरटेन विद इंग्लिश देयर, ठीक है ना? अंग्रेजी आपकी हो जाएगी, सो नॉट टू वरी एट ऑल, दैट्स अ कॉमन थिंग। मैंने भी ऐसे इंग्लिश सीखा सुन के, किससे? सुनना जरूरी है भाषा के लिए, सुनना और सुनोगे वहां पर जहां पर माहौल होगा ना, दैट्स व्हाई योर टाइम, ये आपका समय है, तो आपको चाहिए कि ना ऐसा माहौल बनाए जहां पर आप श्रोता बन सको, ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करो, सुनो, सुनते सुनते आप बोलना स्टार्ट कर लोगे। बट ना आप स्टूडेंट हो तो अच्छे किताबों के साथ भी कनेक्शन बना लो, क्योंकि आप तो कायदे में रहोगे ना, तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो कायदे में रहो ना, सिस्टम से काम करो। इवन इलिटरेट गाइज कैन स्पीक इंग्लिश वेल, एक अनपढ़ गवार भी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है, जरूरी नहीं कि जो इंग्लैंड में, जो अमेरिका में सारे बंदे पढ़े लिखे, बट उनका क्या है ना, मदर टंग इंग्लिश, दैट्स व्हाई दे नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश वेल। जैसे कि हमारे मिथिलांचल में सारे जने पढ़े लिखे नहीं, बट मैथिली बोलने में किसी को प्रॉब्लम नहीं,
है तो आराम से कर लोगे, बट इट्स अ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी गाय कॉज इन द मॉडर्न सिनेरियो विदाउट इट यू कांट डू एनीथिंग. दैट्स व्हाई लर्निंग इट, यू नो व्हाट, workable knowledge of English is must for each and every students. In the lack of it, you guys can't do anything properly. सही से कुछ नहीं कर सकते हो. That's why I want to say you English is the smart language. Learn it and be a smart. Finally, win the world. कर लो दुनिया मुट्ठी में. Guys, this is the single language. With the help of it, you guys can dominate the entire world. Cause English is the window from where you guys can see the entire world. एक ऐसा खिड़की जहाँ से आप पूरे संसार को देख सकते हो. If you want to make connection with entire world, firstly make connection with English, okay? And by the way, you guys are sensible not to say anything, right? So now it's your time. Bichar karo, karna kya hai? So finally, I want to say to all of you guys, once again, happy Christmas Day, Merry Christmas, and happy Tulsi Day to all of you guys. So it's your day, that's why just, you know, plan to enjoy right now. It's an entertaining day, so there must be entertainment, okay?